पंजाब असेंबली में सूबे भर के सरकारी और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का बिल मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी से तकरीबन आपको बताएं कि 1.5 लाख से ज्यादा आरजी मुलाजमीन को फायदा होगा। बिल की मंजूरी, ओपोजिशन के ऐवान में शदीद एहतजाज, हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने से चंद दिन पहले बिल की मंजूरी कबल अज इंतखाब धांधली है। ओपोजिशन की जानिब से कहा गया ओपोजिशन बेनकाब हो रही है, चंद दिन पहले ये मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से इस पर यह मौकिफ अपनाया गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली ने सूबे भर के सरकारी और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल की मंजूरी से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जो आरजी मुलाजमीन हैं उन्हें फायदा होगा। इस बिल की मंजूरी पर ओपोजिशन की जानिब से ऐवान में शदीद एहतजाज हुआ और ये कहा गया कि हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने से चंद दिन पहले बिल की मंजूरी कबल अज इंतखाब धांधली है। ओपोजिशन बेनकाब हो रही है, चंद दिन पहले ये मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया। आमिर जमील नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। आमिर, बिल मंजूर कर लिया गया है, जो सरकारी और आरजी मुलाजमीन थे उन्हें मुस्तकिल करने का, ओपोजिशन की जानिब से क्या रद्द अमल रहा? जी बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली में हुकूमत की जानिब से एक बिल पेश किया गया था जिसमें तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जो है वो मुस्तकिल करने के हवाले से बिल जो है उसको बारीक से मंजूर कर लिया गया है। इसमें पंजाब हुकूमत का अगर ये बात की जाए तो तारीखी कारनामा है। बिल की मंजूरी से तकरीबन 1.5 लाख से जायद जो है आरजी मुलाजमीन है उनको फायदा होगा और बिल की मंजूरी पर इस हवाले से अपोजिशन ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उनका यही कहना था कि इस तरह का जब कोई बिल पेश किया जाता है तो उसमें बाकायदा से उसके पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और उसके बाद पेश किया जाए, लेकिन उनकी जानब से अगर बात की जाए तो अपोजिशन की जानब से इस मामले पर काफी शदीद तनकीद भी जो है वो सामने है, लेकिन उस बलाखर इस बिल को जो है वो मंजूर कर लिया गया और इसमें इस बिल के पास होने की वजह से जो आरजी मुलाजमीन है उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। जी बहुत शुक्रिया आमिर शमील।